स्टूडेंट्स देखो हमने पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉलिड्स उसमें हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमार्फा सॉलिड्स पढ़े थे नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी आगे फर्दर फोर टाइप्स के होते हैं बहुत आसान है याद करने अगर आप एग्ज़ाम्पल इसकी याद रख पाओ तो देखो इसमें क्या क्या है एक आइनिक सॉलिड है कोवलेंट सॉलिड मेटेलिक सॉलिड और मोलिकुलर सॉलिड चार तरह के सॉलिड्स हैं अब एग्जाम्पल्स याद रखें जैसे आइनिक सॉलिड में एग्जाम्पल एन ए के सील की ले लें कोवलेंट में डायमंड मेन इसमें है सिलिकॉन कार्बाइड एंड क्वार्ट्स मेटेलिक सॉलिड्स में सारे मेटल्स हैं आपके कोई स्पेसिफिक इसमें नहीं है सारे मेटल्स जितने भी सब इसी में आते हैं और मोलिकुलर सॉलिड्स में आप आयोडीन नेफ्थलिन या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ये कुछ एग्जांपल्स आप इसमें रख सकते हैं तो इनकी जो एग्जांपल्स हैं इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ इनके आ, सारे सॉलिड्स के करेक्ट्रिस्टिक्स जैसे आइनिक सॉलिड में कॉन्स्टिचुएंट पार्टिकल्स की बात अगर करेंगे आइनिक सॉलिड्स में तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं जैसे अन्य सेल में अन ए पॉजिटिव सेल नेगेटिव सारे आइनिक सॉलिड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होंगे कॉन्स्टिचुएंट पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स होंगे उसमें क्या होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होंगे कोवलेंट सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्या होंगे कोवलेंट सॉलिड किसके बने होते हैं उसमें होते हैं एटम्स एटम्स जुड़े होंगे बाय बॉन्ड्स बाय कोवलेंट बॉन्ड्स तो वो आपका बनाएंगे कोवलेंट सॉलिड्स पॉजिटिवली चार्ज मेटल कैर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स किसके बने होते हैं मेटल्स में पॉजिटिव मतलब एटम्स होते हैं जिनको आप मेटल कैर्नल्स बोलते हैं और उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो थ्रू मेटल सरफेस जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं दे आर नॉन इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा आइटम में पॉजिटिवली चार्ज एक स्पीशीज रह जाएगी उसको आप मेटल कैर्नल बोलते हैं और मोलिकुलर सॉलिड्स में क्या होंगे कॉन्स्टिजेंट पार्टिकल्स वो मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे आयोडीन होगा तो आयोडीन का मॉलिक्यूल होगा आई टू फोर्सेस आइनिक सॉलिड्स में फोर्सेस क्या होती है आइंस के बीच में forces. क्या फोर्सेस होते हैं इलेक्ट्रोस्टिटिक फोर्सेस कोवलेंट सॉलिड्स में क्या फोर्सेस होंगे कोवलेंट सॉलिड्स में कोवलेंट बॉन्ड होंगे मेटेलिक सॉलिड्स में क्या फोर्सेस होंगे मेटेलिक बॉन्ड्स होंगे और मॉलिकुलर सॉलिड्स में वंडरवाल फोर्सेस होंगे मॉलिक्यूल्स किससे अटैच होते हैं इंटर फोर्सेस कौन सी होती हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में दीज आर वंडरवाल फोर्सेस करेक्ट्रिस्टिक्स क्या हैं इसके आइनिक सॉलिड्स में देखें जैसे एन की जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो आयनिक आइनिक सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ये क्रिस्टलाइन होते हैं इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है हार्ड होते हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं एक्वस या मोल्टन स्टेट में एंड हैविंग हाई हीट ऑफ फ्यूजन मतलब मेल्टिंग जो पॉइंट होता है उनका काफ़ी हाई होता है मेल्ट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा हीट इनको रिक्वायरमेंट होती कोवलेंट सॉलिड्स भी जैसे डायमंड की एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है जैसे डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट लगभग थर्टी नाइन थाउजेंड फोर थाउजेंड के करीब होता है फोर थाउजेंड कैलवीन आई थिंक पुअर कंडक्टर्स होते हैं डायमंड इज़ अ पुअर कंडक्टर एंड हैविंग हाई हीट ऑफ फ्यूजन इसमें भी हाई हीट ऑफ फ्यूजन है मेटलिक सॉलिड्स मेटल्स की बात करेंगे तो क्या करेक्ट्रिस्टिक्स हैं उसके मेलेबल हैं डक्टाइल हैं गुड कंडक्टर्स हैं लश्चर होता है सोनरस होते हैं जो भी सारे मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें मेटलिक सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे और मॉलिकुलर सॉलिड्स क्या होते हैं इसमें सॉरी दिस इज सॉफ्ट लो मेल्टिंग पॉइंट पुअर कंडक्टर्स एंड हैविंग लो हीट ऑफ फ्यूजर मॉलिक्यूल्स जैसे आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को लें नैफेलिन जैसे नेफ्थलिन बॉल्स आपने देखे होंगे दे, हाँ दे आर सॉफ्ट दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट दे आर नॉट दे डो नाट है हीट ऑफ फ्यूजन एंड दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑल्सो तो ये हो गए आपके करेक्ट्रिस्टिक्स तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी आइनिक सॉलिड्स में आप एन ए सी एल के सी एल कॉपर सब जो भी आइनिक सॉल्ट्स uh, होंगे वो ले सकते हैं कोवोलैंड में कोवलैंड बॉन्ड ले वाले कंपाउंड लेने हैं को कंपाउंड लेने हैं अपने डायमंड लेना है क्वाड सिलिकान कार्बाइड मेटलिक सॉलिड्स में सारे आ जाएंगे और मॉलिकुलर सॉलिड में आपके आयोडीन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और नेक्स्ट आपका टॉपिक इज सॉलिड स्टेट में इंपॉर्टेंट है ये lattice. Lattice क्या होता है इज जस्ट इन अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करेंगे तो रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स और कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड लेटेस्ट अगर आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है जैसे मैं बोलूँ एनएससीएल बनाना है तो एन एस सी एल में जो पार्टिकल्स हैं एन ए सी एल एन ए सी एल कैसे अरेंज होंगे अगर आप उसको ड्रा कर पाओ तो उसको आप बोलेंगे लेटेस्ट जैसे आप बोलूँ कि यहाँ पे एन ए होगा यहाँ पे सी एल होगा यहाँ पे एन ए होगा यहाँ पे सी एल होगा एन ए होगा सी एल तो एक अरेंजमेंट में बनाऊँगा इस अरेंजमेंट को आप बोलेंगे लेटेस्ट द तो रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स और कॉन्स्टिटुएंट पार्टिकल्स ये जो सर्कल में आपको यहाँ पर दूंगा इस ये क्या होते हैं यही वो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स हैं चाहे हम आइंस की बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ तो रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स और पॉइंटिट्यूंट पार्टिकल्स इज लेटेस। अभी लेटेस्ट जो है वो दो तरह से हो सकता है टू डायमेंशनल लेटेस्ट एंड थ्री डायमेंशनल लेटेस्ट देखो टू डायमेंशनल लेटेस्ट में क्या है टू डायमेंशनल आपको पता है इसमें होगा प्लेन में होगा अगर आप एक लेटेस्ट अरेंजमेंट प्लेन में बनाते हैं तो इट इज़ टू डायमेंशनल द रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल एक प्लेन में बनाते हैं थ्री स्पेस में नहीं बनाना है थ्री डायमेंशन में नहीं बनाना है टू डायमेंशन में बनाना है तो सुकेयर अगर आप टू डायमेंशन में सुकेयर लेटेस्ट हो सकता है जिसमें सारे कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल जो हैं वो जस्ट लाइक अ कॉर्नर ऑफ सुकेयर पे अरेंज होंगे रेक्टेंगुलर लेटेस्ट हो सकता है जिसे आप देख रहे हैं ये सारे रेक्टेंगल्स हैं मतलब ये क्या हैं ये जो डॉट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं या आइंस हैं जैसे अगर मैं बोलूँ ये एन ए पॉजिटिव है या सी एल नेगेटिव है तो इसको आप अरेंजमेंट बताना है इसे उसी तरह से पैरलोग्राम लेटिस हो सकता है पैरलोग्राम की फॉर्म में दिस इज रोम्बिक लेटिस रोम्बस की फॉर्म में और हैगजागनल लेटिस एक हेक्सागन की फॉर्म में ये अरेंज होगा सो दिस इज ऑल अबाउट लेटिस